नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका युवाणी स्टडी पॉइंट में। और हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है UPRO एग्ज़ाम के लिए, जो होने वाला है सितंबर में, जिसमें हम हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है तत्सम और तद्भव। और ये हमारी इस टेस्ट सीरीज़ का 11वां टेस्ट है। और अगर आपने पिछले जो 10 टेस्ट हैं वो अटैम्प्ट नहीं किए हैं, तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है हिंदी ग्रामर की, उससे जा करके ये पिछले 10 टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने तत्सम और तद्भव अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो हमारा उससे पहले एक तत्सम तद्भव का टेस्ट है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और साथ ही साथ कमेंट में भी उसका लिंक दिया हुआ है। आप उस वीडियो को पहले पढ़िए, क्योंकि वहाँ पर पूरा डिस्क्राइब किया गया है, अच्छे से बताया गया है तत्सम तद्भव के बारे में। तो उससे क्या होगा कि आपको और अच्छे सी जानकारी मिल जाएगी, और उसके बाद फिर आप टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो उसका आपको अधिक बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा हम एक टेस्ट सीरीज़ और शुरू करने वाले हैं, जो पूरी संपूर्ण हिंदी ग्रामर पर रहेगी। और वो सिर्फ UPRO एग्ज़ाम के लिए नहीं है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हिंदी ग्रामर उसमें पूछी जाती है, उन सब के लिए होगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। किसी भी तरह का उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। वहाँ पर वीडियो सीरीज़ रहेंगी और टेस्ट सीरीज़ भी रहेगी। आपको टेस्ट भी मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे हमारी वेबसाइट पर, जो है test.uvn.org। और आपको जो वीडियोज़ हैं वो हमारे चैनल पर मिलेंगे, इसलिए अगर आप नए हैं, आज आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का क्विज, जिसका पहला क्वेश्चन है दीठी। आपको बताना है कि दीठी का तत्सम रूप कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है दृष्टि, बी है दृष्टि, सी है दृष्टि, और डी है दृष्टि। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है दृष्टि। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। इन चारों में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है अब्जस, बी है अच्छ, सी है सुन्नर, और डी है सुश्रुता। और इसका जो तत्सम शब्द है वो है डी, जो है सुश्रुषा। देखिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है मधुप, बी है मधुकर, सी है भंवरा, और डी है भ्रमर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है भंवरा। भंवरा जो है इनमें से वो क्या है, तद्भव शब्द है। देखिए भ्रमर शब्द के जो पर्यायवाची हैं वो क्या है, मधुप और मधुकर, और जबकि जो भंवरा शब्द जो है वो क्या है, तद्भव शब्द है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है चूरन। आपको बताना है कि चूरन शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। ऑप्शन ए है चूर्ण, बी है चूर्ण, सी है चूर्ण रन, और डी है चर्म। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है चूर्ण। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शब्द तत्सम है या है। आपको बताना है, ऑप्शन देख लीजिए, ए है लौह, बी है सूचिका, सी है लशुन, और डी है उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है उपरोक्त सभी। सभी शब्द क्या है, तत्सम है। देखिए लौह क्या है, एक तत्सम शब्द है, जिसका जो तद्भव शब्द है वो होगा लोहा। और सूचिका जो है वो भी क्या है, एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द है वो है सुई। और लशुन जो है वो भी एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव है लहसुन। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। ऑप्शन ए है साला, बी है हथनी, सी है हस्त, और डी है लाज। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है हस्त। हस्त क्या है, तत्सम शब्द है। देखिए हस्त शब्द क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव जो है वो होगा हाथ। ऐसे ही हथनी शब्द जो है वो तद्भव है, और इसका तत्सम होगा हस्तिनी। यहाँ पर देख लीजिए, हस्त जो है क्या है, तत्सम शब्द है, और उसका तद्भव होगा हाथ होगा, और हथनी क्या है, यहाँ पर तद्भव है, और इसका जो तत्सम होगा वो होगा हस्तिनी। और जो है साला शब्द है वो है तद्भव, और इसका जो है तत्सम शब्द होगा वो होगा श्यालक। ऐसे ही क्या है, लाज जो है वो भी एक तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम शब्द होगा लज्जा। ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इस तरह से, कि ये मान लीजिए लाज का तत्सम शब्द कौन सा होगा, उसमें ऑप्शन दे दिए। इसी तरीके से आपसे पूछ लिया गया कि इनमें से चुनिए कि कौन सा तत्सम है या कौन सा तद्भव है। तो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद करते हुए चलिए। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से शब्द जो है वो तद्भव है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है भाभी, बी है मत्स्य, सी है भतीजी, और डी है ए और सी दोनों। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है ए और सी दोनों। मतलब तद्भव कौन से हैं, ए भाभी और सी भतीजा। देखिए
भावी क्या है, एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा भ्रात भार्या। ऐसे ही भतीजा जो है वो भी क्या है, एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होगा वो होगा भ्रातव्य। ऐसे ही क्या है कि मत्स्य क्या है, एक तत्सम शब्द है। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर, जो है सलोना। आपको बताना है सलोना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है सालोना, बी है सालोन्य, सी है सलावण, और डी है सलोन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है सलावण। चलिए बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर, जो है गागर। आपको बताना है कि गागर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है गग्गर, बी है ग्रगर, सी है गगर, और डी है गांगर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है ग्रगर। चलिए बढ़ते हैं दसवें प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से कौन सा से शब्द तत्सम है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है क्रुद्ध, बी है कंकति, सी है कपड़ा, और डी है ए और बी दोनों। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है ए और बी दोनों, मतलब क्रुद्ध और कंकति जो है क्या है, तत्सम शब्द है। देखिए क्रुद्ध शब्द क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव है जो है क्रोधी, और कंकति शब्द भी क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव है कंघी, और ऐसे ही जो कपड़ा शब्द है वो क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम रूप है करपट। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, जो है कैथा। आपको बताना है कि कैथा शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। ऑप्शन ए है कैथ, बी है कत्था, सी है कपित, और डी है कपथ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है कपित। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे शब्द तत्सम है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से शब्द तत्सम है। ए है कोयला, बी है कसौटी, सी है क्लेश, और डी है ए और बी दोनों। और 12वें प्रश्न का उत्तर है सी, जो है क्लेश। क्लेश जो है वो क्या है, तत्सम है। देखिए कोयल क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम है कोकिल, और कसौटी भी क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम है कर्ष पट्टिका, और क्लेश शब्द जो है वो क्या है, तत्सम है। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ए है जोगी, बी है जमाई, सी है चंदा, और डी है चंद्रिका। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है चंद्रिका। चंद्रिका क्या है, तत्सम शब्द है। देखिए जोगी का जो तत्सम है वो है योगी, जमाई का तत्सम है जमात, और चंदा का जो है वो है चंद्र। तो चलिए आज के अंक में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और कमेंट में अपने प्रश्नों का आप बता सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपको इसमें से पहले से आते थे, और कितना आपका सही स्कोर रहा है। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप हैं, या फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोज़ पहुँच पाएँ और वो इसका फ़ायदा ले सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी जो शुरू होने वाली हिंदी ग्रामर की टेस्ट सीरीज है उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।